नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण समस्या, पीरियड्स के दौरान कम ब्लड का आना, स्कैंटी पीरियड्स के बारे में। जैसे कि मासिक के दौरान अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तो ये एक प्रॉब्लम है, उसी तरीके से पीरियड्स के दौरान कम ब्लड का आना या फिर सिर्फ स्पॉटिंग होना, बूंदा बूंदी करके खून का गिरना भी एक अंदरूनी प्रॉब्लम का अंदेशा है, जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली इवैल्यूएट कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि स्कैंटी पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग आने के क्या कारण हो सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगर हम एवरेज ब्लीडिंग की बात करें तो एक महिला को लगभग 2 से 5 दिन के आसपास तक पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है और हर दिन 2 से 3 पैड सोक होते हैं। हर महिला का जो पीरियड्स का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। किसी महिला को 2 से 3 दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्लीडिंग कम हो जाती है। किसी महिला को बहुत कम ब्लीडिंग, 1 से 2 दिन ही ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, हमेशा से उन्हें कम ब्लीडिंग होती है। ये कई बार जेनेटिकली मदर्स में, सिस्टर्स में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो एक्चुअली ये उनका नॉर्मल है। अगर आपको हमेशा से कम पीरियड्स होते हैं, आपकी बहन में, आपकी मदर में कम पीरियड्स आता है, तो यूजुअली ये पीरियड्स का जो पैटर्न है उनके लिए ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको पहले ज़्यादा पीरियड्स आते थे और इधर कुछ दिनों से कम ब्लीडिंग हो रही है, पहले आपको दिन भर में 2 से 3 पैड आपके फुली सोक हो जाते थे, आपको 5 दिन की अच्छी ब्लीडिंग होती थी, और अब सिग्निफिकेंटली ब्लीडिंग कम हो गई है, अब सिर्फ समझिए कि सिर्फ 2 पैड्स आपके सोक हो रहे हैं, पूरा खुल के ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इसे हम स्कैंटी पीरियड्स कह सकते हैं और इसके लिए आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जो कम ब्लीडिंग आना नॉर्मल भी होता है कई बार महिलाओं में, फिजियोलॉजिकली आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग धीरे धीरे देखने को कम मिलेगी। जैसे कि प्रेगनेंसी, कई बार क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट होते हो, आपको आपके पीरियड्स के जब डेट आने थे आपको ब्लीडिंग होती है, आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है, लेकिन पहले 2 से 3 महीनों में कई महिलाओं को कम ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के डेट पे, उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, अंदर प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, फिर भी पीरियड्स के जो पीरियड्स का डेट है उसमें आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो यंग गर्ल्स जो कि न्यूली मैरिड हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर आपको पीरियड्स के डेट पे कम ब्लीडिंग आ रही है तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। सिमिलरली, अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, लैक्टेशन के दौरान शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके शरीर में प्रोलैक्टिन नाम की एक हार्मोन होती है वो बढ़ जाती है, जिससे शरीर में जो होता है एनओव्यूलेशन होता है, जो अंडे तैयार होते हैं मासिक के दौरान वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, एनओव्यूलेशन होता है, जिसकी वजह से जो आपकी गर्भाशय की परत होती है वो सही तरीके से तैयार नहीं होती है, वो मोटी नहीं होती है, पतली रह जाती है, जिससे कि जब ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में तो आपको कम ब्लीडिंग होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में अगर आपको पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जब बच्चे को दूध पिलाना बंद करोगे तो आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे। एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, यंग गर्ल को नया नया पीरियड स्टार्ट हुआ है, कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं, पहले 1-2 साल उन्हें पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग हो सकता है। सिमिलरली मेनोपॉज के पहले, परमानेंटली आपके पीरियड समाप्त होने के पहले 1-2 साल जो होते हैं, उस समय भी आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग में कमी देखने को मिलती है। इन एक्सट्रीम्स ऑफ एज में फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो आपका ओवरी है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, एनओव्यूलेटरी साइकिल के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से एनओव्यूलेटरी साइकिल होने की वजह से जो आपकी हार्मोन की जो लेवल होती है ईस्ट्रोजन हार्मोन की, वो बहुत अच्छी बिल्डअप नहीं होती है, आपकी गर्भाशय की परत जिसकी वजह से अच्छे तैयार नहीं होती है और आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। इसलिए एक्सट्रीम्स ऑफ एज में अगर आपको पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग है तो इसे भी हम नॉर्मल मानते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये उम्र के साथ अपने आप जो चेंजेस है वो वाले चेंजेस है जो अपने आप ठीक हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी। अब फोर्थ कंडीशन है जो वो महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, हार्मोनल पिल्स लेती है, जैसे मालाडी, मालाएन, लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फेमिलॉन, नोविलॉन, ओवरऑल, बहुत सारे मार्केट में जो पिल्स अवेलेबल है, ये हार्मोनल पिल्स में ईस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। कम ईस्ट्रोजन होने की वजह से जो बच्चेदाने की परत है वो पतली रहती है और आपको ब्लीडिंग पीरियड्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। आपके पीरियड्स पहले बहुत नॉर्मल आते थे, लेकिन जब से आपने गर्भ निरोधक गोलियां स्टार्ट की है उसके बाद से पीरियड कम आना बहुत स्वाभाविक है। इनफैक्ट हैवी पीरियड्स वाली महिलाओं को जिन्हें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स में थक के पास होते हैं, उन्हें हम गर्भ निरोधक गोलियां एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ओब्वियसली नॉर्मल पीरियड्स वाली महिलाओं को जो पीरियड्स है वो पीरियड्स में ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है कि प्रेगनेंसी तो रुक नहीं गई है। गर्भ निरोधक गोलियों के साथ, हार्मोनल पिल्स के साथ ये काफ़ी कॉमन है। कई बार महिलाएं हार्मोन वाली कॉपर टी लगाती हैं, जैसे निरिन आपने सुना होगा। ये हार्मोन वाली कॉपर टी जो है वो गर्भाशय के अंदर हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से अगेन जो बच्चेदानी की परत है बहुत पतली होती है और आपको ब्लीडिंग कम होगा आपके पीरियड्स। तो फ्रेंड्स जब भी आप हार्मोनल पिल्स लेते हो या फिर हार्मोन्स कंटेनिंग IUCDs लगाते हो तो आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होगी, जो कि नॉर्मल है। कई बार शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होती है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल बहुत कॉमन हो गया है। यंग गर्ल्स से लेके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में ये एक बहुत आम समस्या हो गया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जहाँ पे मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर में बढ़ जाते हैं। ऐसी महिलाओं में लंबे समय तक पीरियड ना आना, जिसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं लड़कियों को, आते भी हैं तो बहुत स्कैंटी होता है, कम होता है पीरियड्स, बिकॉज कि आपके शरीर में हार्मोन्स नहीं तैयार हुए रहते हैं, जो ईस्ट्रोजन की मात्रा है आपके शरीर में कम होती है, जिसकी वजह से इंडोमेट्रियम जो है, जो गर्भाशय की परत तैयार नहीं होती है, एनोवुलेटरी साइकिल्स होता है, आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। ऐसी महिलाओं में वेट गेन की समस्या, मुहासों की समस्या होती है, शरीर में अनचाहे बाल होते हैं, ब्रेस्ट में, थाइज में, पेट के निचले हिस्से में, चिन के पास आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। यानी ऐसे पेशेंट्स में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स में, जो PCOS के पेशेंट्स हैं उनमें प्रेगनेंसी लेने में भी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और आज के डेट में हम अपने खान पान को इम्प्रूव करके, डाइटरी मॉडिफिकेशंस लाके, वेट को रेगुलेट करके, एक्सरसाइज से और कुछ हार्मोनल मेडिकेशन से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो PCOS तो एक बहुत कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें कि आपको स्कैंटी पीरियड्स देखने को मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में, थायरॉयड की वो कंडीशन जहाँ शरीर में TSH की लेवल कम हो जाती है और T3 T4 बढ़ जाता है, जो सूखने वाला थायरॉयड होता है, जहाँ पे जो नॉर्मल वाला थायरॉयड है जिसमें कि TSH के लेवल्स बढ़े होते हैं, आपका वेट गेन होता है, यूजुअली वैसे थायरॉयड में हैवी पीरियड्स देखने को मिलते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म जो सूखने वाली थायरॉयड है उसमें हमें स्कैंटी पीरियड्स देखने को मिलता है। इसी तरीके से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, जहाँ पे शरीर में प्रोलैक्टिन की हार्मोन बढ़ गई है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म जहाँ पे मेल हार्मोन शरीर में बढ़ जाते हैं, ऐसे कंडीशंस में भी एनोवुलेटरी साइकिल्स एंड स्कैंटी पीरियड्स देखने को मिलता है। और जैसे ही हम इन हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट कर देते हैं हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, यूजुअली पीरियड्स हमारे नॉर्मल हो जाते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस लेने से या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, आजकल गर्ल्स जीरो फिगर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, लीडिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस। और ये दो एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन है जहाँ पे स्कैंटी पीरियड्स गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, स्ट्रेस को कम करें,
एक्सेसिव वेट लॉस के पीछे ना भागे, एक सही वेट को रेगुलेट करें जिससे आपके पीरियड्स नॉर्मल आएँ। तो फ्रेंड्स, ये तो हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से स्कैंटी पीरियड्स के कारणों को हमने जाना। कई बार गर्भाशय के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, गर्भाशय की जो लाइनिंग है परत में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन पास्ट में हो गया, टीबी हो गया, या फिर पीआईडी की वजह से अगर ये परत डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है ये परत, अंदर चिपकाहट आ जाती है गर्भाशय के अंदर, तो आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं होगा। ओब्वियसली जो गर्भाशय की परत है वो हेल्दी होनी चाहिए, जो पीरियड्स के दौरान इसमें चेंजेस आते रहते हैं, जो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान इस परत में चेंजेस आते रहते हैं। अगर गर्भाशय की परत अच्छी नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, तो ओब्वियसली आपको पीरियड्स सही से नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, इंडिया में टीबी बहुत कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से जो गर्भाशय की परत है वो पूरी ख़राब हो जाती है। कई बार गर्भाशय की परत आपस में पूरी चिपक जाती है, जिसे हम अशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, और उस कंडीशन में आपको पीरियड्स में बहुत कम ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग या ना के बराबर ब्लीडिंग होती है। यूजुअली पेशेंट ऐसे सिचुएशन में हिस्ट्री देंगी कि लास्ट इतने सालों से पहले तो पीरियड्स ठीक थे, लेकिन उसके बाद कोई एक ऐसा इवेंट होगा, या तो फिर कोई टीबी की डायग्नोसिस वो हमें बताती हैं जिसके बाद से पीरियड्स कम हो जाते हैं। सिमिलरली कई बार सफाइया कराने से बार बार अबॉर्शन हुए, या फिर आपने गर्भाशय के डीएनसी कराया उसमें एक्सेसिव अगर क्यूरेटाज कर दिया जाए, तब भी जो गर्भाशय की जो दोनों दीवारें होती है वो आपस में चिपक जाती है, अशरमैन सिंड्रोम हो जाता है। वैसे केसेस में भी कोई भी जो गर्भाशय की परत है वो हेल्दी जो टिश्यूज़ हैं उसमें काफ़ी कम बचते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग आपको काफ़ी कम होती है। तो गर्भाशय की परत का भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल पीरियड्स आने के लिए। तो हमें इस चीज़ को, गर्भाशय की जो लाइनिंग है वो सही है या नहीं, इसे रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, जो यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या फिर हिस्ट्रोस्कोपी या एचएसजी के माध्यम से कंफर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना उन कारणों को जिसकी वजह से आपको स्कैंटी पीरियड हो सकते हैं, या क्या बीमारी है आपके शरीर में जिसकी वजह से आपका जो पीरियड का अमाउंट है कम हो गया है। फ्रेंड्स, ओब्वियसली ये एक सीरियस सिचुएशन है, कई बार स्कैंटी पीरियड्स की महिलाओं को प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आती है, इसलिए आपको इस चीज़ को अपना नज़रअंदाज नहीं करना है, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।